Hello everyone, Neha here. Welcome to my channel. Hope you guys doing well. In this video, I'm going to share few items I bought from Amazon. This is actually a kitchen items I bought from Amazon. और ये मैंने बहुत time पहले purchase किए थे. तो मैंने past few years से use कर रही हूँ. So I'm sharing my personal review related these products की ये useful है और waste है आपके kitchen के लिए. मतलब कई बार क्या होता है ना, ये अच्छे दिखते हैं ऑनलाइन हमें और हम परचेज कर लेते हैं जस्ट बिकॉज कि हमारे काम थोड़े से इजी हो जाए और फटाफट हो जाए. तो हम इन्हें बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग परचेज कर लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है ना, परचेज करने के बाद जब हम इन्हें यूज करते हैं तो ये उतने वर्थ नहीं होते हैं. कुछ आइटम्स, सम आइटम्स, ऐसा नहीं कि सारे आइटम्स. तो इन दिस होल आई एम शेयरिंग फ्यू आइटम्स जो कि मैक्सिमम अमेज़न से है. सिर्फ एक या दो आइटम्स ऐसे हैं जो कि मैंने लोकल मार्केट से भी परचेस किए हैं, जस्ट बिकॉज मैं पास्ट बहुत टाइम से इन्हें यूज कर रही हूँ. तो मैं अपना रिव्यू रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी. होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको बहुत यूजफुल रहेगा. सो चलिए फटाफट से फिर इस होल को स्टार्ट करते हैं. सो जितने भी ऑनलाइन है उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी इन केस यू वांट टू चेक. और जो लोकल शॉप्स है वो हर जगह लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, सो आप वहां पे देख सकते हो. सो क्विकली स्टार्ट करते हैं. सो वेरी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं दिस पिकल कंटेनर. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पिकल कंटेनर, यानी कि अचार फिल करने का कंटेनर है जिसमें आप अचार को फिल करके बहुत इजीली इसका एक्सेस ऑयल रिमूव करके अचार को यूज कर सकते हो. सो एट प्रेजेंट मैंने अचार फिल किया हुआ है इसलिए मैं उसे लेके नहीं बैठी, बट मैं आपके साथ वीडियो क्लिप शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं इसके एग्जैक्टली सारे पार्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एक्चुअली ये दिखता कैसा है. एंड दिस इज ब्रांड फ्रॉम मिल्टन, ये मिल्टन का है और ये इस तरह का रेड कलर का कंटेनर है जिसमें अंदर वाला जो पार्ट है वो कुछ इस तरह का दिखता है. इसमें स्पून भी साथ में है और आपको जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में पूरा दिखा रही हूँ, आप इस तरह से इसमें अचार फिल करके जब आपको अचार यूज करना हो तब आप इसको ऊपर करके और यूज कर सकते हो, जिससे जितना भी सारा एक्सेस ऑयल है वो नीचे चला जाता है. सो आपको बिल्कुल भी ऑयल नहीं आएगा अचार में जब आप इसे यूज करोगे. ये हमने अमेज़न से लिया था ऑनलाइन एंड ये बहुत ही यूजफुल आइटम है. आई थिंक हम लोग 8 ईयर्स से यूज कर रहे हैं, यस 8 सालों से यूज कर रहे हैं और ये अभी तक बिल्कुल, मतलब क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छा है ही और यूजफुल भी बहुत रहा है. हम इसमें अचार हमेशा इसी में फिल करते हैं, जब भी हमें अचार लेना होता है हम इस तरह से इसे ऊपर कर देते हैं और जो एक्सेस ऑयल है वो नीचे फटाफट से ड्रेन आउट हो जाता है. ऊपर से आप जो भी अचार आपको यूज करना है वो कर सकते हो, ये बहुत काम आता है. दिस ब्यूटीफुल अचार कंटेनर और पिकल कंटेनर इज अ वेरी यूजफुल आइटम इन योर किचन. ये मस्ट हैव आइटम्स है जो होना चाहिए. नॉर्मल अचार के जो कंटेनर्स होते हैं वो जो चीनी वाले भी होते हैं छोटे, या हम और कोई यूज करते हैं ग्लास वाले जार भी अगर हम यूज करते हैं तो उसमें जब भी आप अचार लेते हो खाने के लिए तो उसके साथ ऑयल जरूर आता है. और ऐसा नहीं कि हम ऑयल हटा के अचार को फिल करके रखें, बिकॉज अचार में ऑयल का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो खराब हो जाता है, बहुत जल्दी उसके खराब होने के चांसेस होते हैं. एंड जब आपका काम हो जाए तब इसे वापस से आप डिप कर सकते हो ऑयल में और अच्छे से इसे पे करके रख सकते हो. सो नाउ मूव करते हैं सेकंड प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है इस तरह का एपेक्स का ज्यूसर. तो ये एपेक्स का ज्यूसर है, एक टाइम में ये बहुत चले थे, एक्चुअली हमें भी बहुत टाइम हो गया, हमने से भी मुझे परचेज किए हुए 5 से 6 साल हो गए हैं. तब जब ये नया नया चला था ना तब हमने इसे परचेज किया था. दिस इज नॉन इलेक्ट्रिक एपेक्स ज्यूसर. हमारा इसको जो परचेज करने का मोटो था वो ये था कि ये आई थिंक बहुत इजी रहेगा, जूस आसानी से इससे ड्रेन आउट हो जाएगा, इसको क्लीन करना भी बहुत इजी रहेगा. सो ये सब कुछ इसकी फीचर्स थे, इसकी वजह से हमने इसे परचेज किया था. पर ऑनेस्टली बताऊं तो इतना ये बिल्कुल भी यूज नहीं आया. क्वालिटी वाइज इट्स गुड, मतलब इतना भी बेकार नहीं है, क्वालिटी तो अच्छी है इसकी. और यहाँ से जैसे कि आपको मैं वीडियो में बता रही हूँ, इसमें ये आप इसको जैसे ही रखते हो कहीं पे, इसको आप इसे
फिक्स भी कर सकते हो ताकि ये इधर उधर मूव ना हो जब आप इसमें जूस निकाले, बिकॉज इट इज वेरी लाइट वेट, ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है। अगर आप इसको फिक्स नहीं करोगे तो जब आप जूस निकालोगे तो ये बहुत ज्यादा हिलेगा डुलेगा, उसकी वजह से आपका जूस भी फिर इधर उधर गिरने के चांसेस रहते हैं। बट इसमें जो भी सॉफ्ट पार्टिकल वाले जूस होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं, बट जैसे कि जो थोड़ी सी हार्ड चीज होती है लाइक बीटरूट हो गया, कैरेट हो गए, ये इस तरह की या और भी कोई सी हार्ड चीजें अगर आपने उसमें से डाल के जूस निकाला तो वो उसे इस तरह से मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें से जूस नहीं निकलता है। मतलब तो इसको ऐसे हाथ से ऐसे मूव करना होता है और यहाँ से ये ऊपर से डाल के और ऐसे प्रेस करना होता है, तो वो जो सॉफ्ट चीज होगी वो तो आसानी से प्रेस हो जाती है, बट जो हार्ड चीज होगी वो बिल्कुल भी प्रेस नहीं होगी और यहाँ से भी मूव नहीं होगी। जब आप उसे मूव करोगे तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं होगी, इसलिए मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और ये इसलिए मुझे इतना यूज भी नहीं आया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अनार का ही जूस निकाल रहे हो या फिर ऑरेंज का ही जूस निकाल रहे हो हर टाइम। आप जूसर है मतलब आप कोई भी जूस निकाल सकते हो। सो हार्डली बहुत कम हमने इसे यूज किया है, सो प्राइस वाइज इट्स ओके कि ये ठीक ठीक है, बहुत कॉस्टली भी नहीं होता है, ब्रांड वाइज इट्स ओके, बट इतना यूज नहीं आता है। आप जूसर ऐसा लो जिसमें आप हर तरह के जूसेस निकाल सकते हो, सबसे मेन बात जो इजी टू क्लीन हो। इसे क्लीन करना भी थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, जब हम इसमें ऑरेंज के जूसेस निकालते हैं तो इसका जो भी फाइबर होता है वो इसमें, ये जो इसका अंदर वाला पार्ट होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा अटक जाता है। ये इसके ये जो दो पार्ट्स होते हैं, एक तो इसमें और ये इसमें, बहुत ज्यादा चीजें अटक जाती है, फिर उसको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब थोड़ा सा फिर आपको ब्रशेस वगैरह डाल के उसे क्लीन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्लीन नहीं होगा। ये हैंड फ्री तो है कि इजीली है, नॉन इलेक्ट्रिक है, आप इसे कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, बट हर तरह के जूसेस आप नहीं निकाल पाते हो ना, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट आप इसे ट्रेवलिंग में कैरी कर सकते हो, थोड़ा सा हैंडी है। तो ये इस तरह का ये जूसर है, इसलिए मुझे तो इतना ये यूज नहीं आया है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है इस तरह का इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर। ये हमने प्रेगनेंसी से पहले लिया था, आई थिंक याद नहीं आ रहा। सो ये हमने आई थिंक मेरी प्रेगनेंसी से पहले लिया था। अगर ब्रांड की बात करें तो ये प्रेस्टीज से है। मेरे पास बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीजें हैं जो प्रेस्टीज से है, मुझे अच्छा लगता है ये ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक्स में। एंड ये इस तरह का है, इसमें दो तरह के इस तरह के मोल्ड है, एक प्लेन वाला और एक इस तरह से ग्रिल वाला। सो दो तरह के आप सैंडविच बना सकते हो। बट ये इसमें क्या हुआ ना, ये यूज करते करते इसको हम जब क्लीन करते हैं ना, तो ये ऐसे वाइट वाइट सी इसकी वो निकल गई है पूरी, मतलब ये निकलने लग गया है इसका। तो ये मटेरियल आई थिंक इट्स नॉट गुड क्वालिटी। ये मुझे प्रेस्टीज में मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ कि इनकी क्वालिटी मतलब ये देखिए ऐसे निकलने लग गया, बिकॉज घी वगैरह के कारण जो भी ग्रीस होती है उसको निकालने में थोड़ा सा आपको स्क्रब करना पड़ता है, उसकी वजह से इसमें स्क्रेचेस हो गए हैं और ये वाइट सी लेयर अंदर वाली जो लेयर है ना वो दिखने लग गई है। सो इस बार मुझे इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी। काम ये बहुत अच्छा करता है, बहुत काम आता है भी बहुत छोटा सा, हैंडी है। सैंडविच वगैरह का शौक हमें बहुत है तो हम इसे यूज कर लेते हैं। एक और है मेरे पास जो कि गैस पे, जिसे वो जो हैंड वाला जो होता है लंबा सा, सो वो भी मेरे पास है, जिसे हम गैस पे से अल्टी पल्टी करके उसमें सैंडविच बना लेते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड सैंडविच मेकर, मतलब उसमें तो बहुत फटाफट बन जाते हैं, उसे क्लीन करना भी बहुत आसान होता है और मतलब बिल्कुल एक बहुत ही ज्यादा हैंडी होता है एक्चुअली वो, उसमें किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं। इसे मैं जब बहुत ज्यादा सैंडविचेस बनाने होते हैं तभी यूज करती हूँ, और जनरली मैं उसे डेली में तो मैं उसे ही यूज करती हूँ। सो मेरे पास दोनों हैं और उसका तो मैं अभी पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। वो एक्चुअली अभी हमने शिफ्टिंग की है तो वो शायद अंदर कहीं रखा है तो उसे मैं निकाल नहीं पाई। सो वो और ये दो सैंडविच मेकर दोनों ही जबरदस्त हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम करते हैं, और ये भी मुझे तो बहुत यूज आया है। जब भी आपको ज्यादा सैंडविचेस बनाने हो तब आप इसमें फटाफट फटाफट बना सकते हो, टाइम इसमें भी ज्यादा नहीं लगता है, फटाफट बन जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी यूजफुल थिंग, जरूर होना चाहिए इफ यू लव टू ईट लाइक सैंडविचेस वगैरह, आपको पसंद हो हर तरह के सैंडविचेस बनाना, खाना आपको पसंद हो तो आप इस तरह के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मेक श्योर करें थोड़ी सी और क्वालिटी अच्छी ले। तो इसमें
इसमें एक और बहुत अच्छी चीज है, ये ऑटोमेटिक है। जब भी आप इसमें सैंडविचेस बनाते हो सबकी ग्रीन लाइट ऑन होती है, जैसे ही सैंडविच बन जाता है वैसे ही रेड लाइट ऑटोमेटिकली जल जाती है, जिससे आपको पता लग जाता है कि आपका सैंडविच रेडी हो गया, यानी कि आपको बार बार खोलने की जरूरत नहीं है। सो ये इसका बहुत अच्छा फीचर है, मुझे तो बहुत काम आया है। सो दिस इज अनादर प्रोडक्ट वी बोट फ्रॉम एमेजोन। सो नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है इस तरह का इंडक्शन। ये है फिलिप्स का, यस दिस इज ब्रांड फ्रॉम फिलिप्स। ये भी हमने अमेजोन से ऑनलाइन परचेज किया था और मुझे तो बहुत यूज आया है। और ये प्रोडक्ट एक्चुअली उन लोगों को ज्यादा यूज आता है जो मूव करते रहते हैं, जैसे कि हम लोग मूव करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर शिफ्ट होते हैं, सो प्रॉब्लम हो जाती है गैस का हर समय अवेलेबल नहीं होना। और स्पेशली आपके साथ बेबीज हो तो आप फटाफट कुछ से बना सकते हो खाना, जब आपके पास इमीडिएटली गैस अवेलेबल ना हो या आपका गैस खत्म हो गया अचानक से अवेलेबल ना हो, तो ये चीज़ें तब बहुत काम आती है। आप आराम से इस पर बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, और ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको जो बर्तन है वो अलग से परचेज करने पड़ेंगे। कुछ कुछ बर्तन जो कि लाइट वेट होते हैं, जिनका जो तला होता है ना वो थोड़ा हेवी ना हो करके, जो बहुत लाइट वेट होता है ना पतला सा, वो बर्तन इस पर सारे वर्क करते हैं। मैंने एक भी बर्तन इसके लिए अलग से परचेज नहीं किया। इसके लिए वैसे सब बर्तन आते हैं अलग से, जैसे कि कुकर वगैरह और जो भी पतीले वगैरह होते हैं वो इंडक्शन के कुकवेयर अलग आते हैं, बट मैंने कभी परचेज नहीं किए। सो हम उसी में कुक करते हैं, सो मुझे तो ये बहुत यूज आया है, बिकॉज हमारे साथ ऐसा बहुत बार हो जाता है जब सडनली आपका गैस खत्म हो गया तो फिर आप क्या करो, फिर आप इस पे बना सकते हो सब इजीली। चाय, दूध, राइस, पराठे, पूरी, पोहा, इस पे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप बना सकते हो आराम से, आपका काम स्टॉप नहीं होगा। ये चीज ना एक तो बहुत हैंडी होती है, आप इसे ट्रेवलिंग में भी कैरी कर सकते हो, इतना वेट में भी इतना हैवी नहीं होता है, सो आप आराम से इसे इधर उधर भी ले जा सकते हो। दूसरा ये चीज मुझे, जब हम लोग मुंबई पुणे रहते थे तब वहाँ पे स्टॉल्स लगते थे सोसाइटीज में, सो हम तरह तरह की डिशेस बना के वहाँ प्रेजेंट करते थे, तो मैंने भी इसे उस समय बहुत यूज किया है, तो मुझे तो ये चीज बहुत काम आई है और वैसे भी काम आई है। ये एक एमरजेंसी में आपके लिए बहुत वर्क करती है और ब्रांड बहुत अच्छा है, अभी तक तो मुझे इसमें कोई कंप्लेंट नहीं आई है। आई थिंक 6 ईयर हो गए हैं तब से हम इसे यूज कर रहे हैं और इसमें अभी तक मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि खराब, क्योंकि जनरली बहुत जल्दी खराब भी जाते हैं, बट मेरा तो अभी तक अच्छा वर्क कर रहा है। और ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि इसके कुकवेयर होंगे तो ही हम बना सकते हैं, मैं तो हमेशा इस पे जो मेरे कुकवेयर है मैं तो वही यूज करके इस पे बनाती हूँ और आराम से बहुत सारी चीजें बना सकते हो। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि मैंने एक लोकल मार्केट से लिया था। लोकल मार्केट इन दिस एंड एक रोड साइड मार्केट से, जब आप एक्चुअली जब मुंबई रहते थे तब हम नासिक साइड घूमने गए थे ना, तो वहां पे जो आप ऐसे बारिश में घूमने जाते हो तो बहुत सारे जो रोड पे चीजें नहीं मिलती, आपका मन करता है कई बार खरीदने का, तो वहां से हमने ये लिया था। सो दिस, जैसे रोड्स पे बैठे रहते हैं, मुझे बड़ा शौक है ऐसी चीजों में बार्गेनिंग करने का और परचेस करने का ना, बड़ा शौक है, बहुत मजा आता है ऐसी शॉपिंग करने में, तो ये हमने तो वहां से लिया था। ऑनेस्टली बताऊं तो ये होना चाहिए, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं निकला, ये इसकी क्वालिटी बिल्कुल, मतलब मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई इसकी क्वालिटी। तो इसका तला बहुत लाइट वेट है। इस तरह का आयरन का पेन मुझे एक चाहिए था, ज़रूर होना चाहिए आपके घर में, जो आप नेचुरल आयरन अपनी बॉडी को दे सकते हो, तो ज़रूर इसमें आपको अपनी जो वेजीज़ हैं वो बनानी चाहिए। मैक्सिमम वेजीज़ स्पेशली बेबीज़ के लिए भी आप कुक कर रहे हो तो आपको इसमें करना चाहिए। जैसे कि अभी हम एल्यूमिनियम के जो बर्तन हैं वो डिस्कार्ड करके हम उन्हें रिप्लेस करके इस तरह के आयरन के या स्टील के बर्तनों में ही खाना बनाना प्रेफर कर रहे हैं। आयरन जो कि आपकी बॉडी की नीड है, जो जरूर आपने लेना चाहिए और नेचुरली जिन चीजों से मिले तो आपको जरूर लेना चाहिए, बिकॉज इसमें जो भी हम चीजें कुक करते हैं वो तुरंत काली हो जाती है। आई नो कि आप आयरन के पॉट में जो भी चीजें कुक करते हो उन्हें आपको तुरंत निकाल लेना चाहिए पकाने के बाद, लेकिन इसमें बहुत जल्दी ब्लैक हो जाती है, थोड़ा सा टेस्ट भी डिफरेंट लगता है। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ यहाँ पे, आप लोग मुझे बताना कि क्या ऐसा ही होता है, दिस इज रियल आयरन, एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस तरह से जब हम रोड साइड परचेज करते हैं तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी निकल जाती है, बट कई बार चीजें खराब भी निकल जाती है, तो
ये मुझे वैसा कुछ लग रहा है काइंड ऑफ, बट आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तरह के आयरन अच्छे होते हैं जो कि हमें परचेस करना चाहिए कुकवेयर में। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जो कि है इस तरह का पिज्जा कटर। सो दिस इज स्मॉल पिज्जा कटर और ये भी हमने अमेजोन से लिया था। ये बहुत कॉस्टली भी नहीं है, रेट तो सभी के मैं आपको मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहे हैं, बट ये काफी यूजफुल कटर है। मैं इसे बहुत सारी चीजों में यूज कर लेती हूँ किचन में, और इस तरह के हैंडी कटर काफी इजी टू क्लीन है, काफी इजी टू मेंटेन है, और आप इसे इजिली यूज कर सकते हो बहुत सारी मल्टीपल चीजें जो आप बनाते हो। इफ यू लव टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सैलेड्स तो आप इसे यूज कर सकते हो। ये मल्टीपल सैलेड्स को कट करने में भी काफी इजीली और काफी अच्छे से वर्क करता है। सो अगर आप घर में ही चीजें बनाने के खाने के शौकीन हो तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी कई बार बहुत अच्छा काम कर देती है आपके लिए। यू नेवर नो, मतलब आपको लगता नहीं कि यार ये ठीक है इतना क्या यूज है। कई बार इस तरह की चीजों में पैसे लगाना आपको लगता है कि यार क्यों वेस्ट कर दिया, बट बहुत काम आती है। कई बार ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत बड़े बड़े काम कर देती है। मुझे तो ये बहुत यूजफुल रही है, मैं बहुत यूज करती हूँ इसे और काफी टाइम से इसे यूज कर रही हूँ। और इसके जो ब्लेड है वो भी काफी अच्छे शार्प हैं, जब से आए हैं मतलब मैंने इसे काफी यूज किया है तो ब्लेड भी काफी अच्छे शार्प है, अभी तक भी बहुत अच्छे काम करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये एक छोटू सा आइटम, बट काफी काम करता है। जैसे कि लास्ट एक जो अमेजोन हॉल मैंने आपके साथ शेयर किया था प्रोडक्ट का, जिसमें मैंने आपके साथ चॉपर एक शो किया था, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइटम लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइटम। सो ये भी मुझे तो बहुत यूजफुल रहा। नाउ सो नाउ मूव करते हैं गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें मैं यूज करती रहती हूँ, तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी कि वो नेक्स्ट कौन सा आइटम है। सो ये इस तरह का मिट्टी का तवा जिसपे आप बहुत सारे काम कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ जो कि अगेन मैंने एक रोड साइड ट्रिप से ही परचेज की थी इसे, और ये उस समय बहुत ट्रेंड में थे। ये मुझे तो बहुत टाइम हो गया इसको, 3-4 साल हो गए परचेज किए हुए। सो उस समय ये बहुत ट्रेंड में था, अभी तो ये ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल है। सो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल्यूमिनियम धीरे धीरे डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो ग्लास के जार, मिट्टी के बर्तन और ये सारी चीजें अभी वापस से ट्रेंड में है। तो ये सब चीजें काफी कॉस्टली मिल रही है। ये आपको सेम ऐसा ही ऑनलाइन भी मिल जाएगा अमेजोन पे, बट वहां पे प्राइजेस के कुछ ज्यादा हैं। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, बट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो ये तो मैंने एक लोकल रोड साइड मार्केट से ही लिया था, तो मुझे तो आफ्टर बार्गेनिंग 100 रुपीज में मिल गया था। और हैंडल वाला, इसमें विदाउट हैंडल भी आता है, ये विद हैंडल है। हैंडल जरूर होना चाहिए बिकॉज ईजी होता है आप जब करते हो। सो ये बहुत यूजफुल चीज है, बहुत काम आती है और काफी हाइजीन होता है इनमें खाना बनाना, और काफी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं इस तरह के चीजें जब आप यूज करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। बट मैं इसे ऑनेस्टली बताऊं तो डर डर के यूज करती हूँ, कम यूज करती हूँ कि ये कहीं टूट ना जाए। और ये देखिए इतना डर डर के यूज करने के बाद भी इसमें ना एक क्रेक आ गया है। मेरे हाथ से चीजें बहुत ज्यादा टूटती हैं, ग्लास की चीजें और इस तरह की जो चीजें होती है ना, मेरे हाथ से ज्यादातर चीजें क्लीनिंग के टाइम, डस्टिंग के टाइम क्रेक हो जाती है। और ये भी मुझे नहीं पता कि कब इसमें क्रेक आ गया, इतना संभाल संभाल के रखती हूँ, इतना मैं हार्डली यूज करती हूँ, मतलब मैं इसे टाइम टाइम पे यूज करती हूँ, डेली में यूज नहीं करती हूँ कि भाई ये ना क्रेक ना हो जाए, क्रेक ना हो जाए, इतना संभाल के रखते हैं, फिर भी ये देखिए इसमें क्रेक आ गया। ये भी एक मल्टीपर्पज पेन है, मतलब एज अ तवा तो ये आपको काम करेगा ही, बहुत अच्छी, मतलब जब आप इसमें रोटियां बनाओगे ना तो बहुत अच्छी सी मिट्टी वाली फ्लेवर वाली, बहुत अच्छी सी स्मोकी फ्लेवर वाली चीजें आपको मिलेगी। जब भी आपको दाल वगैरह में किसी में ऐसा स्मोकी तड़का देना है तो आप इसमें दे सकते हो, इसमें काफी अच्छी डेप्थ है, तो इसी की वजह से इसमें आप काफी सारी चीजें, मिर्ची वगैरह और इस तरह की चीजें फ्राई करनी है, एक डिफरेंट फ्लेवर जब आपको चाहिए हो ना अपने खाने में, तब आप इसे चेंज तब आप इसे यूज करके अपने फ्लेवर को चेंज कर सकते हो। हम बहुत सारी चीजें जो मैं चेंजेस कर रही हूँ अभी, जैसे मैं मिट्टी का एक पेन भी परचेज करने वाली हूँ। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम
यूज कर सकते हैं हेल्थ के पर्पज से, जो भी नेचुरल चीजें हो जिनसे आयरन, कैल्शियम, न्यूट्रिशन जो जो आपको मिल सकता है वो चीजें आपको जरूर अपनी किचन में, एक हेल्दी किचन में जरूर रखनी चाहिए। गाइस दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। रियली होप ये प्रोडक्ट का रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा। ये प्रोडक्ट मैंने पर्सनली परचेज किए थे, इनमें से एक भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर नहीं है। Hope you find this video really helpful. If you like this video, don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. See you soon in the next video. Till then, bye, take care and also not forget to follow me on Instagram. Handle aapko screen pe zarur dikh raha hoga. Links sare cheezon ke main description mein provide kar dungi. So check karna bilkul mat bhuliyega. Naye ho to zarur subscribe kijiyega.